हाँ तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था एसएससी जीटी कट ऑफ पर, जिस पर बच्चों ने काफी बढ़कर अपने नंबर बताए कमेंट्स के अंदर, और उन्हीं कमेंट्स के आधार पर आज हम बात करेंगे कि आखिर जीडी की कट ऑफ है फिजिकल की वो कहां तक जा सकती है और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। जैसा पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो, सब बच्चों ने क्या किए हैं, अपने नंबर बताए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से फीमेल मेल दोनों ने अपने क्या बताया, नंबर बताए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप सेफ हैं या नहीं है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो लास्ट तक देखना। देखो आकाश है, ये क्या बोल रहा है कि सर मेरे एससी के अंदर 126.5 है और फिर इसकी रैंक कितनी, 136.245। मतलब एससी से है तो एससी के अंदर, लगभग यूपी से है तो लगभग इसका सिलेक्शन मान के चलिए आप। 126 नंबर बहुत होते हैं भाई साहब, कम नहीं है 126 नंबर, तो आप सिलेक्शन मानकर चलिएगा। फिर आगे बात करते हैं, आदित्य सिंह ये 120 नंबर से ज्यादा, ये बता रहा है कि 120 से ज्यादा बता रहे हैं ना, अपने इनसे बीच के रहो, इतने नंबर किसी के नहीं आ रहे। तो भाई आदित्य सिंह नंबर बच्चों के बन रहे हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दी, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जिनके 120 से ऊपर बन रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं और इसके एग्जाम दी, जो बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, क्या दिए उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, मेडिकल के अंदर रह जाते हैं, जिनका स्कोर काफी अच्छा रहता है। तो आदित्य सिंह नंबर बन रहे हैं बच्चों के, आप ये मानकर चलो। फिर सर मेरे 112 नंबर है राजस्थान से, ही देखो 112 मतलब 56 क्वेश्चन इसके राइट है काट के। फिर आगे बात करें हम, ये रहा कि सर 96 एमपी ओबीसी 31 जनवरी, इसके 96 नंबर है। फिर आगे चलो, ये देखो मार्क्स इसके 73.5 बता रहा है, ये कहां से, ईडब्ल्यूएस रो से बता रहा है ये। फिर यूपी जनरल गर्ल से 96 बता रहा है कि मैं नाम आएगा या नहीं आएगा। तो आप देखिए आगे पूरी कट ऑफ है हमारे पास, फिर देखते हैं हमारा नंबर कहां तक हम सेफ है। फिर लीजेंड है, ये बता रहा है कि 107 स्कोर है मेरा। फिर आपके सामने 104 यूपी ईडब्ल्यूएस से, ये फाइनल के लिए हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो, आप फिजिकल की तैयारी कर दो। 111 ओबीसी ये बिहार से बता रहा है, देखो। फिर जय हिंद सर, हेलो, हाँ जय हिंद गप्पू यादव, ये बता रहा है कि मेरी रैंकिंग पर 103 नंबर है, तो हो जाएगा बिल्कुल, आप फिजिकल की तैयारी करो बिना किसी टेंशन के। फिर ये कि बॉर्डर एरिया से हूं सर, 90 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आप भी फिजिकल की तैयारी करो, बिल्कुल सेफ हो। फिर प्रियंका जायसवाल बता रही है कि सर 100 ओबीसी फीमेल एमपी से 24 जनवरी 3rd शिफ्ट के, हो जाएगा बिल्कुल, आप फिजिकल की तैयारी कर दे, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल में बहुत से बच्चे निकलेंगे और आप क्या करो वहां पर अपना 100% दो, आपका सिलेक्शन पक्का। 120 यूपी से बिल्कुल आप सेफ हो भाई, 117 बन रहे हैं बट एक क्वेश्चन रॉन्ग था, उस पे ऑब्जेक्शन डाला है, तो 120 हो जाएंगे बिल्कुल, एमपी से 120 हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन देखो आप बोल रहे थे पहले नहीं बन रहे बच्चों के, बन रहे हैं। फिर एमपी से 108 है सर, फाइनल सेकंड शिफ्ट में था इसका 7 तारीख में, बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर किया। यूपी से ईडब्ल्यूएस में बहुत अच्छा स्कोर है, अब देखो लगभग के क्या आ रहा है, लगभग का स्कोर क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ये स्कोर है इन्होंने आंसर की आने के बाद मिलान करने के बाद अपना बताया है। ये देखिएगा आप 108 बता रहा है, फिर 116 बता रहे हैं कि भाई नेगेटिव हटाकर क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल 116 नंबर बहुत है, कम नहीं होते, क्योंकि 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करना कोई छोटे खेल नहीं है। सर असम स्टेट से हूं, 52 मार्क्स है, तो भाई आप तो का तो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि 52 नंबर से तो आप तो बराबर में हो, इधर हो, आगे कुआ पीछे खाई, बीच में हो, कहीं पर भी आप आगे पीछे हो सकते हो। फिर 106 बन रहे हैं, देखो कितना अच्छा ईडब्ल्यूएस के अंदर,
सुविता डाका क्या बता रही है, सर मेरा 93 रैंक है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन के चांस है? बिल्कुल चांस है, हिम्मत मत हार कर बैठो, अब तैयारी शुरू कर रहे हो आप फिजिकल की। फिर सर 116 ओबीसी राजस्थान से हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ में हो, 55% से ज्यादा जिसके क्वेश्चन हो रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सेफ जोन में, क्योंकि माइनस मार्किंग थी और माइनस मार्किंग के साथ साथ क्या है, टाइम बहुत कम मिला है बच्चों को। ये राजस्थान ओबीसी से 115 बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल हो आप, टेंशन फ्री रहो। यूपी ओबीसी से ये बता रहा है 62 क्वेश्चन किए, 55 बिल्कुल आप भी, 53-54 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओबीसी फीमेल हरियाणा से काफी अच्छा स्कोर है बच्ची का, 104 नंबर का, ये देखो आपके सामने। ये सब किसके है जो पेपर देख रहा है उनका, तो जो मिलान कर लो आप कहां से हो, तो ये सर मेरे 82 जनरल से बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। फिर 111 नंबर बिहार से ओबीसी फीमेल से। फिर 108 है, और फिर आपके अनुसार कितने हो रहे हैं, 122 नंबर हो रहे हैं, देखिए 121 ओबीसी से बता रहे हैं राजस्थान से, 110 एसटी राजस्थान से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन की बिल्कुल दौड़ में हो आप, 111 नंबर वाले राजस्थान से है और 109 नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही भाई। अब देखो अब हम करते हैं बात मेरिट के ऊपर कि आखिर मेरिट कितनी जा सकती है, तो देखो मेरिट के अंदर कुछ है आपके हाई जो मार्क जिनका परसेंटेज आएगा वो, फिर आपके मीडियम के अंदर, फिर आपके लो मेरिट कहां तक, तो जिस बच्चे के 100 से 110 के बीच बन रहे हैं, कहां से, एमपी से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और झारखंड से, वो बच्चा आज ही अपना क्या कर दे, फिजिकल तैयार कर दे, 100 से 95 है वो बच्चा भी क्या कर दे, अपना फिजिकल शुरू कर दे। फिर मीडियम में आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ओडिशा, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर जिस बच्चे के 85 से 95 के बीच नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, तो वो फिजिकल अपना क्या करे, शुरू कर दे। फिर तेलंगाना, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, यहां पर आपने यदि 30 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल क्या हो, सिलेक्शन की दौड़ में हो। अब पास मार्क्स की बात करें तो पास नंबर कितने चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा कि यदि आप ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको कितने चाहिए, 25% चाहिए, 160 का 25%, 40 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए जो आप इजीली हो जाओगे। एससी और एसटी से हो तो 20% यानी 32 नंबर, और जनरल से हो आपको तो 30% चाहिए अर्थात 160 में से 48 नंबर, तो क्वालिफाइड नंबर है वो आप पे क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एनसीसी की बात करें, जिस बच्चे के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 5% यानी 8 नंबर, जिसके बी है उसको 3% 4.8, और जिसके पास एनसीसी ए है उसको 3.2 नंबर मिल जाएंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो भाई नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जो अभी तक किसी के समझ में नहीं आई है और ना ही आने वाली, आप विभाग से पूछ लोगे तो विभाग भी ये बोलेगा हमें नहीं पता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं, 80 नंबर आ रहे हैं वो 80 वाला कई कई बार तो 120 पहुंच जाता है, नॉर्मलाइजेशन से कुछ पता ही नहीं चलता। तो नॉर्मलाइजेशन ये ब्रह्मास्त्र है जो आपके लिए क्या होगा, एक कारगर साबित होगा, जिनका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लगभग का पेपर था उनके लिए ये बहुत लाभदायक क्या होगा, सिद्ध होगा। अब जो भी बच्चा देख रहा है वो अपने नंबर कमेंट में कर ले ताकि हमें और पता चल सके कि आखिर लगभग मेरिट कितनी रहेगी, बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ अगला वीडियो हम बना सके। जय हिंद, जय भारत।